मम्मा मुझे दाल नहीं खानी, मुझे सब्जी बना दो। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? अगर आपके घर में भी ऐसा होता है ना, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट दाल है कि खाने के बाद लोग अपनी उंगलियां चाट जाएंगे और सब्जी का नाम भी नहीं लेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1.5 कप मसूर की दाल है। आज हम यही दाल बनाने वाले हैं, तो चलिए अब इसे हम धुल लेते हैं। इसे हमने 2-3 पानी अच्छे से धुल लेना है। ये देखिए, दाल को हमने 2-3 पानी अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। अब इस दाल को 10 से 15 मिनट पानी में ऐसे ही भीगा रहने देना है। लीजिए, 15 मिनट हो गए हैं, दाल थोड़ी बहुत फूल गई है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और इधर एक कुकर ले लेते हैं। दाल को हम कुकर में डाल देंगे और इसी के साथ ही साथ 1 बड़ा कप इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसका हम ढक्कन लगा देंगे और दाल को हम 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। ये देखिए, दाल को हमने 3 से 4 सीटी पका लिया है। तो चलिए अब इसका हम ढक्कन खोल लेते हैं। दाल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन, 2 से 3 छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 चम्मच हींग। हींग इस दाल में डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसी के साथ ही साथ 2 मीडियम साइज का छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देना है, मतलब कि 15 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर यूँ चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम पर ही रखनी है। अब इसी के साथ ही साथ इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, जिससे ये हमारा जो टमाटर है थोड़ा सा गल जाए। अब बारी है इसमें मसाला डालने की। मसाला डालते समय हमने गैस की फ्लेम को धीमा रखना है। मसालों में सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। टमाटर को हमने यहाँ पर एकदम से मेसी बना देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हमने यूँ दोनों हाथों से रगड़ कर इसमें डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हमने 1/2 मिनट के लिए धीमी आंच पर यूँ चलाते हुए पका लेना है। ये देखिए, इधर सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमने दाल डाल देना है। ये दाल ना बॉईल करते समय थोड़ी सी सूखी हो गई है। जब भी दाल बॉईल करें, थोड़ा सा और पानी उसमें ऐड कर लें। यहाँ भी हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सकें। अब इसमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके 1.5 बड़े कप के करीब पानी डालना है और सारी चीज़ों को यूँ ऐसे ही मिलाते जाएंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, आप सभी को ये ज़रूर पसंद आएगी। ये लीजिए, 1.5 कप पानी इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए यूँ खुले में ही पका लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी पक चुकी है और उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब गैस की फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसमें हरी धनिया डालकर इसे सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर हम क्रीम या फिर मलाई डालकर इसे और भी बढ़िया डेकोरेट कर लेंगे। आपको हमारी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।